हेलो दोस्तों, वेलकम टू द गुजराती टेस्ट जोन। हम लोग बात कर रहे हैं सिगोरिन डिफेंस के। सिगोरिन डिफेंस मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने थर्ड NC3 के बारे में देखा था। सिगोरिन डिफेंस थर्ड NF3 के बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। थर्ड NF3 सिगोरिन डिफेंस सबको पता ही है, अगर पहला वीडियो देखा है तो क्या होता है सिगोरिन, फिर से देख लीजिए। D4 D5 वाइट खेलता है जब C4 क्वींस गैम्बिट के बाद। क्वींस गैम्बिट में बहुत सारी लाइन्स है, एक्सेप्टर डिक्लाइन, ये है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन लाइन, मतलब सिगोरिन डिफेंस वेरिएशन। थर्ड NF3 देखते हैं, नाइट से सिक्स के बाद व्हाइट के पास जो जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड E3, थर्ड पॉन टेक्स पॉन, थर्ड नाइट C3 और मेन जो है थर्ड NF3। आज मैं बताऊंगा थर्ड NF3, ज्यादातर लोग यही मूव करते हैं। ज्यादातर लोग ध्यान से देखिए, बहुत ईजी लाइन है और इसमें खास ध्यान रखना है कि जब भी ब्लैक को E5 करने का मौका मिले तो ब्लैक की गेम बहुत ही बेस्ट रहती है। तो चलिए, थर्ड NF3 के सामने आपको क्या खेलना है। थर्ड NF3 के सामने पैटर्न मूव है आपकी जो है वो Bg4, थर्ड NF3 Bg4। इसके बाद भी बहुत सारे मूव्स है लाइक E3 जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ज्यादातर कॉमन मूव है पॉन टेक्स पॉन, C takes D5 में खास करके बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, क्वीन टेक्स D5 करते हैं। लेकिन सिगोरिन में अगर आपको गेम जीतना है तो यहाँ बेस्ट मूव है Bishop takes F3। अब यहाँ से तीन वेरिएशन है, G takes F3 जो मेन वेरिएशन है, E takes F3 ये व्हाइट के लिए बिल्कुल बैड मूव है, और पॉन टेक्स नाइट इसका भी एक अलग वेरिएशन। अब देखते हैं हम Bg4 Ed5 Bf3 E takes F3। सबसे पहले मैं बैड वाली मूव बताऊंगा, E takes F3 करता है। E takes F3 क्वेश्चन मार्क दे सकते हो अपनी बुक में। यहां आपको करना है Qd5। अब देखिए दोस्तों, सेंटर बिल्कुल आपके हाथ में हो गया है, व्हाइट का ई वाला पॉन सेंटर से चला गया है तो ब्लैक को खेलने में और भी मजा आएगा। इसमें Qd5 के बाद प्रेशर आ रहा है D4 पॉन के ऊपर, वो कैसे उसे बचाएगा। ओनली ऑप्शन है Bishop E3। यहां पे पॉन सेव करने का एक ही ऑप्शन है Bishop E3। कई गेम में Qe2 खेल के व्हाइट ने खेले हैं गेम्स, Qe2 या Qc2। कुछ गेम्स में व्हाइट ने अटैक लेना चाहा है Qc2 से एक पॉन सेक्रीफाइस करके, तो Qc2 में आपको करना है Qd7। यहां पे ज्यादातर लोग ये नहीं खेलते इसलिए इसके डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। मोस्ट कॉमन मूव है Bishop E3 जो पॉन का डिफेंस करेगा। यहां आपको करना है लॉन्ग कैसल, बहुत ही रेयर लाइन में लॉन्ग कैसल आता है, और सिगोरिन डिफेंस में इस वेरिएशन में लॉन्ग कैसल यानी कि डायरेक्ट D4 पॉन पे आपका ट्रिपल अटैक, जो क्वीन नाइट और रुक तीनों का अटैक है, दो ही सपोर्ट है, अब तीसरा सपोर्ट आ नहीं सकता। तो लॉन्ग कैसल के बाद व्हाइट के पास एक बेस्ट रिप्लाई है Nc3 आपके क्वीन पे काउंटर अटैक के लिए। आप सोचोगे अब क्या करें, कोई बात नहीं, यहां आपको खेलना है Qe5, नाइट को पिन करना है। व्हाइट रिप्लाई देगा Bishop B5, आपके नाइट के ऊपर काउंटर अटैक। यहां भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं आप, ये भी इतनी स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, और यहां सैक्रिफाइस आफ्टर Nxd4, ये सरप्राइज मूव है। Bishop Takes D4 और E5, आपको जो पिन पीस दिया था आपने वो तुरंत ही आपको वापस मिलेगा। आफ्टर Qc2 Etxd4 अगेन वन मोर टाइम द पीस पे अटैक हो रहा है। Qf5 चेक, व्हाइट ट्राई करेगा अपने पीस को बचाने के लिए। Qb8 और लॉन्ग कैसल, ये व्हाइट की ओर से बेस्ट रिप्लाई है, बेस्ट रिस्पॉन्स है, ताकि आप उसका अगर नाइट मारते हो तो डायरेक्टली बैकरिंग मेट। लेकिन
इसमें ही व्हाइट फंसेगा। लॉन्ग कैसल के बाद नाइट h6, आपको पहले क्वीन पे अटैक करना है। नाइट h6 के बाद व्हाइट खेलेगा क्वीन f4, आपके पॉन पे प्रेशर और रुक टेक्स पॉन की थ्रेट भी है। यहाँ एक बेस्ट मूव मैं बताऊंगा आपको, बिशप सैक्रिफाइस, बिशप a3 बहुत ही बढ़िया मूव है। आफ्टर b takes a3 सिंपल queen takes a3, नॉट queen takes c3, ध्यान रखो queen takes a3, पहले चेक, king b1 और d takes c3, यहां पे कंप्लीटली 0-1। आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है और ब्लैक की विनिंग बिल्कुल नजदीक में है। मेट की थ्रेट भी है, ओपन फाइल में रुक ओपन हो गया है, बैक रैंक मेट की जो थ्रेट थी आपके ऊपर वो बिल्कुल चली गई। तो ये एक जबरदस्त वेरिएशन है नाइट f3 और e3 ई पॉन से कैप्चर करने के लिए Nf3 Bg4। अब देखते हैं दोस्तों g takes f3। e takes f3 इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसकी तैयारी कर देनी चाहिए। यही वीडियो देख के आप उसके मेन मूव्स तैयार कर सकते हो। d4 d5 c4 knight c6 nf3 bishop g4, pawn takes pawn, bishop takes knight and now g takes f3। ये रिकॉर्ड में बहुत ही गुड है व्हाइट के लिए, बहुत सारी गेम्स व्हाइट ने भी जीती है इस पोजीशन से। यहां पे आपको करना है queen takes d5। अब देखो फोर्स मूव आएंगे सारे के सारे फोर्स मूव, d4 पे दो अटैक है तो यहां खेलेगा व्हाइट e3। g takes f3 के बाद e3। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि सिगोरिन डिफेंस में जब भी ब्लैक को e5 करने का मौका मिलता है तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे खेलना है e5। knight c3 ये मेन लाइन मूव है। d takes e5 ये इतनी अच्छी नहीं है, इफेक्टिव मूव नहीं है क्योंकि आफ्टर queen takes एक्सचेंज हो जाएगा और नाइट सेंट्रलाइज हो जाएगा और आपका पॉन भी वापस मिल जाएगा। यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई है knight c3। आफ्टर knight c3 आपको खेलना है bishop b4, पिनिंग करना है, क्वीन को हटाना नहीं है। ध्यान रखो सिगोरिन डिफेंस में क्वीन की मूव करके बचाने से बेटर है नाइट को पिन करने करके बचाना। अब यहाँ पे bishop c3 के बाद व्हाइट का रिप्लाई होगा bishop d2। अब आपकी क्वीन थ्रेट में है तो यहाँ पे सिंपल bishop takes knight, b takes c3, क्योंकि bishop takes c3 भी इफेक्टिव नहीं है। आफ्टर bishop takes c3 पॉन टेक्स पॉन नाइट इनटू और आप सब एक्सचेंज करके वाइट के यहाँ पे डबलिंग पॉन हो जाएंगे और सेंटर में आइसोलेटेड पॉन हो जाएगा और ये भी आइसोलेटेड पॉन हो जाएगा तो एंड गेम ब्लैक के फेवर में क्लियर हो जाएगी। इसलिए वाइट ऑलवेज खेलता है b takes c3। यहाँ आपको करना है queen d6। ध्यान रखो queen d6 इसलिए कि अगर इस मूव में queen d6 नहीं किया तो नेक्स्ट थ्रेट है c4 और उसके बाद d5 और आपके ऊपर ही प्रेशर आ जाएगा। तो पहले से queen d6 करने से c4 नहीं हो सकता वरना पॉन टेक्स पॉन और सेंटर पॉन मिल जाएंगे आपको और क्लियर विनिंग गेम हो जाएगी। तो आफ्टर queen d6 वाइट खेलेगा rook b1, ओपन फाइल में b7 पॉन पे अटैक, सिंपल आपको करना है b6। मटेरियल इक्वल है दोनों के पास लेकिन पूरी गेम ब्लैक के फेवर में है। आप पॉन स्ट्रक्चर देख सकते हो, आइसोलेटेड पॉन, दिस इज डबल पॉन और ये भी आइसोलेटेड, एंड गेम पूरी ब्लैक के फेवर में है। b6 के बाद व्हाइट खेलेगा bishop g2 और यहां आपको खेलना है nge7। ये है बेस्ट रिप्लाई और बेस्ट पोजीशन। यहाँ पे वाइट f4 अगर करता है तो सिंपल e takes f4, आफ्टर e4 आपको कर देना है rook d8। तो ये गेम
आप बहुत ही अच्छी तरह से खेल सकते हो आफ्टर पॉन पुश सिंपल क्वीन g6, तो ये पोजीशन ब्लैक के फेवर में है। तो दोस्तों ये था वेरिएशन हमारा थर्ड NF3 का, और भी बहुत सारे वेरिएशन है थर्ड NF3 में, मैं बताऊंगा आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वन बाय वन मिलती रहे। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।